जनक ने की है खुदकुशी की कोशिश, क्या अनिरुद्ध जाएगा अपनी फैमिली के खिलाफ। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया टैली, मैं हूं रजनी। टीवी सीरियल जनक में इन दिनों काफ़ी कुछ हो रहा है, जहां एक तरफ जनक का जीना मुहाल कर दिया है, अनिरुद्ध के घर वाले एक के बाद एक उस पर कई इल्ज़ाम लगाते हैं, तो वहीं देखा जा रहा है कि जनक की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, वो बेहोश हो जाती है और जब अनिरुद्ध उसे कमरे में लेके जाता है तो पता चलता है कि जनक ने पूरी दवाई पी गई है। यहाँ पर दवाई की ओवरडोज़ की वजह से जनक की जान खतरे में है। अनिरुद्ध अपनी फैमिली वाले से पूछता है कि क्या किसी ने जनक को कुछ बोला है। उसके बाद उसे पता चलता है कि सभी लोगों ने उस पर कई इल्जाम लगाए हैं, जिसके बाद अनिरुद्ध काफी ज्यादा गुस्सा होता है। आपने किसी को मुंह में झाग के साथ सोते हुए देखा है कभी? अरे मुझसे क्या पूछ रहे हो अनी, मुझे क्या पता? कभी मेरे साथ ऐसा हुआ है जो मैं बताऊंगी? जितना पता था मैंने बता दिया। तू चुप रहो ना, अभी नहीं पता है तो। अपो, ये लड़की ना पूरे घर में इतने अशांति फैला के रख दिया है। अरे वो तो अच्छा हुआ थमी और दादू भाई अपने कमरे में, वरना उन्हें पता लगता तो बात कहां से कहां पहुंच जाती। चलो प्लीज वेट अप जनक। अरे तो ये डॉक्टर जनक, उठो ना, देखो ना ये क्या क्या करना चाहती है? अरे अभी तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहती है, फंसाना चाहती है, हमें जेल भेजना चाहती है। अगर आप ऐसा बोले, अगर इसने सच में ऐसा कुछ कर लिया होता तो हम तो हमें हाथ खड़ी लग जाती। ये बहुत गलत हुआ है। आपकी वजह से हुआ है, आप सबसे उठा रहे बेचारी को इतना टॉर्चर किया कि तन्नत से गोलियां खा ली, अपनी जान तक देने का बड़ा डिसीजन लिया क्योंकि आप सबने इसका जीना मुश्किल कर दिया था इस घर में। अब तो मुझे लगता है इसे वापस भेजना ही चाहिए था। अली, अली आधे से ज्यादा बोतल खा ली। व्हाट, मरना ही था तो कहीं और जाके मरती है लड़की, श्रीनगर में जाके ड्रामा करती, यहाँ पे कोर्ट केस बनवाएगी, मेरा नाम खराब करवाएगी, शी इज मेड अ लाइफ हेल। कितनी चालाक है ये लड़की, खतरनाक थी। एक दिन दादू भाई के कमरे में चाय पीने के लिए भेजा और देखिए क्या कांड कर लिया इसने, पूरे घर को हिला कर रख दिया इसने। एक मिनट, क्या बोल क्या बोल मतलब? मतलब दादू भाई को चाय देने से पहले घर में क्या हुआ था? शिफ्ट फैमिली से सबने क्या कहा जनक से? जो इल्जाम मुझ पे लगाया, जो सवाल मुझसे पूछे गए, जो सुलूक मुझसे किया गया, क्या उससे बदला किया जनक के साथ? यही किया इन लोगों ने, बेइज्जती करते रहे, ताने मारते रहे। अरे कब तक सहेगा कोई? नहीं सह पाए जनक, मैं जानता हूं ना बचपन से साथ, मेरे साथ भी तो यही होता आ रहा है इस घर में। कॉलेज के पास एक माँ थी, वो भी चली गई, लाल प्यार सब खो दिया इसने, बदले में मिला क्या? नफरत। छोटू प्लीज, आपका ये बकवास आप बाद में कर लेना, आप लोग ये सोचिए इसके पति को पता चलेगा तो वो क्या रिएक्ट करेगा, सोच कर ही टेंशन हो रही है मुझे। कहीं मेज का नहीं झुका हुआ, सच तो नहीं? हमें कोर्ट के चक्कर तो नहीं लगाने पड़ेगा मेज का? अरे हमें कोर्ट के चक्कर क्यों लगाने पड़ेंगे, हमने क्या किया काकू? हमारे ऊपर कुछ नहीं आएगा ना काकू? काकू बोलिए ना, बताइए ना। अरे मुझे क्या पता, मुझसे क्यों पूछ रहे हो, तुम्हारी आंखों के सामने है सब कुछ। अभी क्या करना है बता, हमें हॉस्पिटल के लिए निकलना होगा अभी। अगर हॉस्पिटल के रास्ते में इसे कुछ हो गया तो? अरे तुम फंस सकते हो बाबा, मैंने कहा है ना कुछ बोलने से पहले ना सोच लेना चाहिए। मैं भी साथ आती हूं, मुझे भी जाना है बेटा, गाड़ी में जगह नहीं है, बाद में वापस चला जाना। मैं गाड़ी चला रहा हूं, लड़की श्रीनगर नहीं गई तो हम जेल जाएंगे।
ऐसा हो चुका तो नहीं ना काकू? कुछ नहीं होगा, इस लड़की को एक बार वापस आने दो, आई विल टेक केयर ऑफ इट। सब कुछ ना तुम लोगों की वजह से हुआ है, सबको बचा लो तुम। वेल, अब देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा, क्या झनक की खातिर अनिरुद्ध अपनी फैमिली के खिलाफ जाएगा या फिर झनक का साथ छोड़ देगा, उसे कश्मीर जाकर छोड़ाएगा। वेल, टीवी सीरियल के लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया टेली के साथ। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।